अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल साजदा का किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं यूनिक तरीके से आलू और कटहल की बीज की सब्जी। कटहल का दिन चल रहा है और ये सब्जी ज़रूर एक बार आप बनाएं, क्योंकि आपके घर में भी कटहल का कोवा आता होगा। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने यहाँ पर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है और कटहल के बीज को हम पहले ही सुखा के रखे थे, ये सूख चुकी है। अब हम इसको अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। बिना तेल का इसको ऐसे ही गैस पे लो फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। एक दो मिनट बाद करके इसको चलाते रहना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरा बीज पूरे तरीके से फ्राई हो चुका है। अब हम इसका जो ऊपर का जो परत है वो हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने इसके पूरे छिलके को छील दिया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम एक पैन लेंगे, उसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिए हैं, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे इसमें। जीरा थोड़ा सा फ्राई होने लगेगा तब हम इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। कटहल कोवे का सीजन चल रहा है, इस टाइम पर सभी के घरों में कटहल ज़रूर आते होंगे। कटहल का कोवा खाने के बाद आप उसका बीज को ना फेंके, उस बीज से एक बार ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। अब हमने 1 मीडियम साइज का टमाटर चॉप करके ले लिया है और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1 से 2 मिनट तक इसको भी पका लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली डालेंगे, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर यानी, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप रेड चिल्ली को स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह ग्रीन चिल्ली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भून चुका है थोड़ा सा, अब इसमें हम पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। मेरे मसाले भून रहे हैं, ये देखिए मेरा मसाला पूरा तरीका से भून चुका है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। हमने 2 मीडियम साइज के आलू चॉप करके रखे थे, इसको हम इसमें डाल देंगे। और जो कटहल का बीज हमने छील के रखा था इसको वॉश एंड क्लीन करने के बाद इसमें डाल देना है। अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हम लोग भून लेंगे। ये देखिए भून चुका है मसाला, अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि जो जैकफ्रूट सीड्स है और जो पोटैटो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मेरी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरीके से चला लेते हैं और देखते हैं सब्जी गली है या नहीं। चलिए आपको हम आलू तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए ये पूरी तरीके से गल चुका है। अब हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भून लेंगे। मेरी सब्जी भून चुकी है, अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। आप इसको सर्व करें गर्मा गर्म, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी और मज़ेदार। आप लोग एक बार ज़रूर बना के देखें। आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।